तो आज का टॉपिक हमारा जो है ना फेस था। पीछे 2 दिन पहले स्कैल्प पड़ा था, सेम वही चीज़ें इसमें देखते हैं, मसल्स, इसकी ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई और साथ अप्लाइड नर्व। तो फेस इंट्रोडक्शन में कहते हैं फेस कहाँ से कहाँ तक होगा। देखें, एनाटॉमिकली हम इसको जो है ना डिस्क्राइब करेंगे। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड, अब हेड एंड नेक हम पढ़ रहे हैं तो हेड का जो एंटीरियर एस्पेक्ट था, अब इसी तरह स्कल में आपने पढ़ा था उसका फ्रंटल व्यू, तो फ्रॉम फोर हेड टू चिन, ये तो होगा सुपीरियर और इन्फीरियर मार्जिन इसके, फोर हेड और इन्फीरियरली चिन, और साइड टू साइड जो है वो ईयर है, फ्रॉम वन ईयर टू द अदर। तो ये इसका जो है ना एरिया बनता है फेस का। आगे फेस प्रोवाइड्स इसका क्या है जो सिग्निफिकेंस जो है ना इसकी फोरेंसिक मेडिसिन में भी, वैसे भी क्लिनिकली भी, तो आप देखें तो एक आइडेंटिटी है ह्यूमन बीइंग्स की, फेस से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन है। दूसरी बात ये है कि कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है, आप फेस रीडिंग करके देख सकते हैं कि उसके जो है एक्सप्रेशन कैसे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो है ना अल्लाह ताला ने रखा है एक्सप्रेशन को, तो ये कम्युनिकेशन में ये रोल प्ले कर रहा है। इस तरह वो इंटरेक्शन विद अदर टेक्स प्लेस लार्जली बाय द फेस इंक्लूडिंग द ईयर्स, तो इसमें यही जो हम देखते हैं कि इंटरेक्शन या इंटरफेस जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो इसी लिए है कि फेस के ज़रिए जो है ना हमारी कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, आमने सामने जो होती है। तो मसल सबसे पहले देखते हैं इसमें फेस में मसल्स कौन से आते हैं। तो ये जो मसल्स हैं, मसल ऑफ़ द फेस, इनका दूसरा नाम फेशियल मसल या फिर मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी टर्म्स जो है ना इसके लिए हैं। तो यूजुअली जो है ना मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन ये ज़्यादा यूज़ होता है, और अहम बात ये है कि ये सब कुटेनियस टिश्यू में है, विच इज़ बिलो द स्किन। और कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं स्कैल्प के अंदर, जो दो बेलीज पढ़ी थी हमने ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस की, एंटीरियर एंड पोस्टियर स्कैल्प में, और इसी तरह जो है ना कुछ मसल नेक में भी आएंगे जैसे प्लेटिज्मा है, ये रिलेटेड है सारे स्कैल्प फेस और नेक, ये सारे इसमें आते हैं फेशियल एक्सप्रेशन में। तो याद रखिएगा फेशियल एक्सप्रेशन में ये तीनों मसल्स आपने बताने हैं, इसमें स्कैल्प के भी आएंगे, फेस प्रॉपर और साथ नेक के मसल भी। दे मूव द स्किन एंड चेंज फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे मूड्स, तो ये स्किन की मूवमेंट हो रही है इन्हीं मसल्स की, वरना किसी और जगह स्किन की, बाकी मसल अपर लोअर लिम में आपने पढ़ा था डीप मसल हैं सारे, वो डीप फेशिया के नीचे पड़े हैं, उसमें स्किन की कोई मूवमेंट नहीं होती, लेकिन फेस में जो है ना स्किन की मूवमेंट हो रही है। तो इसीलिए ये सब कुटेनियस मसल्स हैं, एक तरफ ये बोन पे अटैच होते हैं और दूसरी तरफ ये स्किन के साथ होते हैं। तो मसल्स की था जो है डेवलपमेंट ऑफ डिटेल में तो वहाँ पढ़ेंगे आप एम्ब्रियोलॉजी में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये याद रख लें कि फेशियल एक्सप्रेशन के जितने मसल या मसल ऑफ द फेस, इनकी सबकी जो है मसल्स की है मीजोडर्म से जो एम्ब्रियोनिक लेयर है, और ये कौन सी मीजोडर्म है, विच इज़ प्रेजेंट इन द सेकंड फ्रेंजियल आर्च। ये फ्रेंजियल आर्चेस पढ़ेंगे आप, इनके नंबर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इसमें जो सेकंड फ्रेंजियल आर्च, ये याद रखिएगा ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इनकी डिवेलपमेंट जो है वो सेकंड फ्रेंजियल आर्च के, और इसके लिए नर्व भी स्पेसिफिक होती है, सेकंड फ्रेंजियल आर्च की नर्व जो है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व, तो फेशियल नर्व, यानी कि सबकुटेनियस मस्कुलर शीट सबसे पहले बनती है स्किन के नीचे, फिर वो स्प्रेड हो जाती है नेक और फेस में, और साथ ही जैसे वो स्प्रेड होगी वो शीथ जिस पर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो साथ अपने वो स्पेसिफिक नर्व जो इस आर्च की होती है सेकंड फ्रेंजियल आर्च की, वो है सेवंथ क्रेनियल नर्व, वो भी साथ जाएगी। तो इसलिए जो है ना इनके मसल्स की नर्व सप्लाई सब की आगे हम देखेंगे कि फेशियल नर्व। तो मसल्स ऑफ द फेस, अब यहाँ पे थोड़ा जनरल करेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें इनकी मसल्स की, तो ये एक्सप्रेशन देखें डिफरेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे मसल आएंगे, टेबल बनी हुई है बुक में, यहाँ मैं इसमें तो खैर सब को नहीं शामिल करूँगा स्लाइड, बुक में आप खोल के देखें तो पूरा पेज जो है ना इसके मसल्स के जो है ना 18-20 मसल्स जो है ना इसमें दिए हुए हैं, ये सारे आपने देखने हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो इनका है एक्शन, नाम याद रखें और एक्शन। नर्व सप्लाई आपको सबका पता ही है फेशियल ही है, तो जो बाकी ओरिजिन इंसर्शन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी जो है ना ये इसका एक्शन है। जैसे ये फ्रंटालिस है, अभी फ्रंटालिस हमने पढ़ा ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, तो ये देखें स्किन जो है ये फोल्डिंग हो रही है, ये पढ़ चुके हैं पहले, यहाँ पे रिट्रैक्ट हो रही है ऊपर की तरफ, तो इसमें फोल्डिंग आ गई फोरहेड पे। इसी तरह ये एक और मसल है करू ग्रेटर सुपर सीलिया, अब ये नाम थोड़े मुश्किल आएंगे लेकिन आपने ये याद रखने हैं,
ये फेशियल एक्सप्रेशन इसका देखें आप। इसी तरह ऑर्बिकुलरिस ओरिस, एक ऑर्बिकुलरिस अपुलाई भी आएगा, आँख के गिर्द होगा, सर्कुलर मसल है, ये मुंह के इर्द गिर्द, जैसे ये देखें आप विसल बजाते हैं तो ऑर्बिकुलरिस ओरिस विसल बजाना है, ये किसिंग में है, सर ये स्टूडेंट्स को सारी ऐड कर दें प्लीज। ऐड कर दिया है जितने इस वक्त वेटिंग में थे, अभी तो कोई भी नहीं है वेटिंग में, ठहरे मैं देखता हूँ। चलें दूसरा जो है ये एक और एग्जांपल दी हुई है, इसमें जाइगोमेटिकस मेजर, तो ये जाइगोमेटिकस माइनर भी है मेजर भी है, तो ये जस्ट एक फॉर एग्जांपल आपको ये मसल कुछ नाम बताए हैं और उसमें फेशियल एक्सप्रेशन। ये बात हो चुकी है सेकंड फ्रेंजियल, आज से ही इनकी डेवलपमेंट हो रही है, दे आर सप्लाइड बाई द फेशियल नर्व। अब यहाँ थोड़ा सा हम ना ब्रीफली इसमें देखते हैं इनके एक्शन के हिसाब से डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये फेस के ऊपर जितने भी मसल हैं दे आर क्लोजर एंड ओपनर ऑफ द फेशियल ऑरिफिस। फेशियल ऑरिफिस कौन कौन से होते हैं बताएं, फेस के ऊपर कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं? सर हाँ आईज हैं, आईज जाहिर है, यहाँ पे भी आंखें बंद होती हैं खुलती हैं, माउथ हो गया, ठीक है ना, इसी तरह ईयर के इर्द गिर्द भी होते हैं, ईयर पे भी ओपनिंग आ रही है, नोज की भी ओपनिंग है, तो ये सारे जो है ना इनको मसल जो भी होंगे दे एक्ट एज क्लोजर एंड ओपनर ऑफ द फेशियल ऑरिफिसेस। तो ये फेशियल ओपनिंग्स हैं यहाँ पे दिखाई गई हैं, तो आपको भी बताया कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम बोन और अदर मसल एंड पास इन द सुपरफिशियल फेशिया एंड अटैच टू द फेशियल स्किन और अदर फेशियल मसल। तो ये एक तरफ बोन से और दूसरी तरफ जो है इनका जो मेन जो है अटैचमेंट वो है स्किन, फेशियल स्किन, और कुछ जो है एक मसल से दूसरे मसल की तरफ भी है। अगर देखें तो इनकी क्लासिफिकेशंस हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे जैसे अब आई के आप कंसिडर करें तो इनको हम मसल्स ऑफ द आई लिड कहेंगे, तो उसकी एग्जाम्पल जहाँ पे दी हुई हैं करूगेटर सुपर सीलिया आई, ये मसल आ रहा है, और दूसरा साथ है ऑर्बिकुलरिस अकुलाई। ऑर्बिकुलरिस अकुलाई को अगर देखें तो आप ये सर्कुलर फैशन में इसके जो है ना फाइबर्स आ रहे हैं, ऑर्बिकुलरिस जब है, ऑर्बिकुलरिस का मतलब भी है कि एक ऑर्बिट इन सर्कुलर फैशन में इसके जो है ना मसल फाइबर होंगे, ये मसल जो छोटा सा नज़र आ रहा है ये है करूगेटर सुपर सीलियाई, इसमें हम ये आईब्रोज आपकी जो है ना ऊपर नीचे करते हैं। इस तरह लिवेटर पल्पेब्रियो सुपीरियोरिस, ये भी आईलेड को जो है ये ऊपर उठाता है, लिवेटर पल्पेब्रियो सुपीरियोरिस, तो यहाँ तीन मसल इसमें आईलेड के दिखाए हैं। इसी तरह मसल द नोज, अगर नोज के ऊपर मसल देखें यहाँ हम स्किन के नीचे सबकुटेनियस, तो चार मसल यहाँ पे प्रोसीरस डायलेटर नेरीज, ये नाक के जो नथने होते हैं ये डायलेट हो जाते हैं, हम अगर करना चाहें इसको तो ये थोड़ा सा ओपनिंग वाइड हो जाएगी। तो दूसरा है कंप्रेसर नेरीज, ये इसको कंप्रेस करता है, इसमें थोड़ा क्लोज हो जाते हैं, और डिप्रेसर सेप्टाई, ये सेप्टम जो है इसको डिप्रेस कर देंगे, तो ये चार इसमें ये इस नोज के, तो इसी तरह टेबल दी हुई है, और एक एक अगर आप इसमें देखेंगे ग्रुप के हिसाब से तो फिर आसान हो जाएगा याद करना, नाम याद रखें, इसका एक्शन जो है उसमें बुक में दिया हुआ है सबका। फिर माउथ के ये बहुत सारे मसल आएंगे, मसल ऑफ द माउथ, ऑर्बिकुलरिस ओरिस लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, अच्छा ये एक नेजाई नाक के, ये इनके नंबर लगे हुए हैं, अगर आप यहाँ से देखें तो ये देखें ये उसकी नंबरिंग की हुई हो सकती है, थर्ड मसल जो है वो ये आ रहा है। फिर इसी तरह लिवेटर एंगुलाई ओरिस, ये एंगल ऑफ माउथ को जो है ना ये साइड पे ये एंगल ऑफ माउथ है, तो यहाँ इसको एलिवेट करेगा। जाइगोमेटिकस मेजर अभी हम देख रहे थे, ये जैसे ये खुशी का इजहार करना है इसमें, तो जाइगोमेटिकस माइनर भी है इसमें 6 नंबर पे। डिप्रेसर एंगुलाई, इसमें जो है ना डिप्रेशन हो जाएगा, ये फेस के एंगल ऑफ माउथ को नीचे की तरफ लाएगा, तो डिप्रेशन जैसे डिप्रेशन में होता है बंदा सैड होता है तो उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस, ये लोअर लिप के जो है ना ये आता है मसल। इसी तरह मेंटालिस मसल, वो ये आपको पता ही है ये एरिया जो है चिन का, ये यहाँ पे आ जाएगा, और रिजोरियस 10th मसल ये आ गया साइड्स पे, ये भी अगर मुंह को एंगल एंगल ऑफ माउथ अगर आप इसको स्प्रेड करेंगे ये दूर दूर चला जाएगा, दोनों तरफ से ये अट्रैक्ट होगा तो ये इसकी विड्थ जो है ना इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद बक्सीनेटर मसल है, ये साइड पे आ जाते हैं, ये भी अहम मसल है, बड़ा मसल है बक्सीनेटर। नेक्स्ट इसमें स्केल्प का हम पढ़ चुके हैं पहले, मसल हो चुका है ऑक्सिपिटो फ्रंटालिस, ईयर के साथ है ऑरिकुलरिस मसल, ये आई के जो ईयर के हैं कुछ लोगों में होता है, इसमें कान की मूवमेंट कर लेते हैं मैं थोड़ा सा होता है कंट्रोल, एनिमल में ज़्यादा होता है, ह्यूमन बीइंग में जो है ना ये फिर ख़त्म हो जाता है इसका कंट्रोल इतना।
नेक में आपको बताया था एक मसल प्लेटिसमा है जो सबकुटेनियस है, ये भी यहाँ पे जिस वक्त हम शेव करते हैं तो यहाँ नेक के ऊपर तो एक तरफ से स्ट्रेच करते हैं तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस वक्त इसका एक्शन जो है ना, ये इसमें टोटली फिर वही सारे मसल हैं इस पिक्चर में भी, तो इनके आपने अपने नाम याद रखने हैं और साथ ही इसका एक्शन, ये भी सारे मसल एक दफ़ा फिर इस पिक्चर में ना दिखा दिए गए हैं। अच्छा आगे ये आएगी इसकी जो है ना ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई डिटेल में नेक्स्ट पिक्चर आगे। अच्छा यहाँ ये बुक में दी हुई है ये पिक्चर, इसमें जो है ना मैक्सिमम मसल ये 15 मसल यहाँ पे शो किए गए हैं और उनके नाम और एक्शन, ये आपने इसका करके देखना भी है इसका कैसे जो है ना, ये जैसे ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस का हम ये देख रहे हैं, ये ऊपर जो है फोर हेड पे जो है ना पर ये जो बन रही है स्किन की फोल्डिंग, तो बहरहाल ये डिफरेंट देखें ये फेशियल एक्सप्रेशन हैं मुख्तलिफ, आप मुख्तलिफ सूरत हाल में हर कोई इस तरह करता है, तो इसमें ये कौन कौन से हैं ये अब आपने याद रखना है, इंटरेस्टिंग है ये, नाम याद रखें इसका और एक्शन याद रखें क्या, ये टेबल आएगी बुक में आगे तो उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इस तरह आई का भी हम पढ़ चुके हैं, ये उसके दो पार्ट्स हैं जो है ना ऑर्बिटल पार्ट पल्पेबर, ये आईलेट के जो है ना ये अपर आईलेट ये देख रहे हैं, तो इसमें अगर आप फोर्सली उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आई को क्लोज करेंगे तो ये उसमें ये पिक्चर ये आ रही। अच्छा ये है इसमें जो है सरफेस एनाटॉमी में कुछ लैंडमार्क्स हैं फेस के, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, लैंडमार्क कुछ हम पढ़ चुके हैं अब ये पता ही सबको, आईब्रो ग्लाबेला पढ़ चुके हैं हम, ये सुपर सीलियरी आर्च ये भी हमने पढ़ लिया था, इसके सेंटर में ये ग्लाबेला आता है। इस तरह जो एपिकेंथल फोल्ड यहाँ पे ये स्किन आई का जो मीडियल साइड पे जो यहाँ पे फोल्ड बनता है अपर आईलेड में, इसको कहते हैं एपिकेंथल फोल्ड। आईलेड अपर लोअर ये आपको पता ही है, फिर इंफ्रा पल्पेबल सल्कस, यहाँ लोअर आईलेड के नीचे ना स्किन इकट्ठी होती है फोल्ड होती है तो एक सल्कस बनता है उसको कहते हैं इंफ्रा पल्पेबल सल्कस। नोज़ के ऊपर ये जो सेंटर में ये टॉप पे ये डॉर्सम ऑफ नोज़ है, यहाँ पे रूट है नोज़ की, ये टिप है या एपेक्स ऑफ नोज़ आ गई, और एला ऑफ नोज़ ये नोज़ की साइड्स पे जो थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट होता है कुछ इसमें पर्सन में ये प्रोमिनेंट होता है, ये साइड दोनों तरफ जो है ना ये जो है ना ओपनिंग नेजल ओपनिंग के लेटरल साइड पे ये थोड़ा सा एरिया बल्जिंग होता है इसको कहते हैं एला ऑफ नोज़, और ओपनिंग जो है नेरीज है एंटीरियर नेरीज पोस्टीरियर नेरीज हम पढ़ चुके हैं पहले, फिर उसके बाद जो है नेजल सेप्टम दोनों जो पूरी कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, नेजल सेप्टम हमने पढ़ा था जिसमें वोमर बोन आती है और ऊपर फिर आती है एथमाइड बोन, तो ये सेप्टम की डिटेल आएगी, सेप्टम में दो बोन्स होती हैं एक वोमर और दूसरी परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड, ये कार्टिलेज भी होती है तो बोनी पार्ट और कार्टिलेजनस पार्ट दोनों होते हैं सेप्टम में। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नोज़ के नीचे अपर लिप के ऊपर ये जहाँ पे डिप्रेशन है ये भी कुछ लोगों में प्रोमिनेंट होता है इसको कहते हैं फिल्ट्रम। फिर आ गया नेज़ोलेबियल सल्कस, यहाँ पे ये नेज़ोलेबियल सल्कस है, यहाँ पे भी एक फोल्ड बनता है कुछ में ये एनाटॉमिकली ये ज़रा प्रोमिनेंट होता है, फिर यहाँ पे अपर लिप में ये देखें सेंटर में जो है ना यहाँ पे भी एक रेज्ड एरिया आता है जिसको ट्यूबरकल ऑफ अपर लिप कहेंगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ओरल फिशर याद रखिएगा, ओरल फिशर जो है जो दोनों लिप्स के दरमियान में जो स्पेस आ रहा है ये है ओरल फिशर। उसके बाद इसी तरह जो है दोनों लिप्स जब ये लेटरल साइड पे आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको कहते हैं लेबियल कमीशोर, ये इसको एंगल ऑफ माउथ भी कहते हैं और ये जो है लेबियल कमीशोर। इसी तरह फिर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये स्किन जो है ना ये शुरू हो रही है ये खास किस्म के ये लिप्स की जो है ना ये डिफरेंट होती है जिसपे कोई हेयर नहीं, तो यहाँ पे फिर है जो हेयर बियरिंग स्किन जो शुरू होती है ये जो जंक्शन है इसको कहते हैं वर्मिलियन बॉर्डर। नेक्स्ट नीचे फिर एक डिप्रेशन आ रहा है यहाँ पे फोल्ड बनता है जहाँ फोल्ड बन रहा है लोअर लिप का और इसके चिन के दरमियान में, तो ये जो फोल्ड है इसको कहते हैं मेंटोलेबियल सल्कस, और फिर चिन के ऊपर जो ये रेज दे रही है बाहर की तरफ मेंटल प्रोट्यूबरेंस ये बोन पे भी हमने पढ़ा था हम, तो ये सारे जो हैं इसके लैंडमार्क्स हैं। अब फेस की आर्टरीज अगर देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है जो आर्टरीज हैं फेस की वो हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस, वो डिटेल में आएंगी, आठ इसकी ब्रांचेस होती हैं एक्सटर्नल कैरोटिड की जिसमें से फेशियल आर्टरी फेस की जो है इंपॉर्टेंट जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो फेशियल आर्टरी से आ रही है जो मेजर सप्लाई है फेस की, याद रखिएगा फेशियल आर्टरीज का नाम याद रखें इट इज़ ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये कहाँ शुरू होती है वाइंड्स इट्स वे टू द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, आगे पिक्चर आएगी दिखाते हैं आपको,
तो ये मैंडिबल का जो है ना जो है नीचे बॉडी है वहाँ से ये टर्न करके आ जाएगी, फिर आगे मैसेटर मसल्स के एंटीरियर होगी। तो आर्टरी लाइज सुपरफिशियल हेयर, यहाँ पल्पेट भी कर सकते हैं, यहाँ मैंडिबल के बॉर्डर के साथ आप पल्पेट कर सकते हैं, इमीजिएटली डीप टू द प्लेटिस्मा। ये देखें यहाँ से अगर आप देखें ये फेशियल आर्टरी का ये कोर्स दिखाया गया, ये कॉमन कैरोटिड, ये एक्सटर्नल, इधर इंटरनल, तो इंटरनल को तो कट कर दिया है, ये एक्सटर्नल की ब्रांच यहाँ पे शो की हुई है फेशियल। तो यहाँ से आप देखें ये आ गई अब फेस के नीचे से चिन से होती हुई आ गई, एंगल ऑफ माउथ के साथ होती है, दोनों तरफ होगी राइट लेफ्ट इसी तरह। तो एक इसकी ब्रांच ये लोअर लिप के साथ जा रही है, एक अपर लिप के साथ जा रही है, और उसी तरह उसका नाम है सुपीरियर लेबाइल और इन्फीरियर लेबाइल आर्टरी। याद रखिएगा इसका कोर्स डिटेल में दिया हुआ है बुक में, मैं सिर्फ आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट फेशियल आर्टरी। अच्छा फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसमें जो है ना ये जिग जैग है, देखें आपको नज़र आ रहा है आर्टरी के अंदर फोल्ड है, इसको क्या कहते हैं ये पढ़ चुके होंगे आप। अगर आर्टरी का कोर्स अगर इस तरह का हो जिसमें ये फोल्डिंग हो, देखो जैसे एक पाइप इकट्ठा करके रखें, एक एक होता है खींच के रख दें स्ट्रेट सीधा, ये सीधा नहीं है, इसके अंदर देखें ये जिग जैग जा रही है, एस शेप फोल्डिंग बन रहे हैं, तो इस कोर्स को क्या कहते हैं? अगर आर्टरी का इस तरह का कोर्स हो तो उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? हेलो, अब सो गए सारे? अच्छा ये लफ्ज पढ़ा होगा आपने, टॉर्चुअस, TORTUIUS, टॉर्चुअस कोर्स पढ़ा होगा लफ्ज टॉर्चुअस। तो आर्टरी का कोर्स टॉर्चुअस जो होता है वो यही होता है, ये इसमें फोल्डिंग होती है, इसका क्या फायदा होता है? चलो कॉमन सेंस स्ट्रेचिंग में नहीं, हेल्प करता है। हाँ वेरी गुड। देखें कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनमें जो है ना वो स्ट्रेच रिलैक्स होते हैं और स्ट्रेच होते हैं, ऐसे जगहों पे जो है ना आर्टरी जो होगी वो टॉर्चुअस होगी, ताकि जब उसमें कोई स्ट्रेच हो ऑर्गन तो उसमें आर्टरी जो है ना रपच्चर ना हो, वो ये फोल्डिंग पर। इसी तरह जैसे हम ये मेस्टिकेशन में ये च्यूइंग में आप जो है ना जमाई लें मुँह पूरा खोलें तो ये स्ट्रेच हो जाएगी, तो इस तरह ये फिर कट नहीं सकती, तो ये उस वक्त स्ट्रेच हो जाएगी, नॉर्मली जब माउथ क्लोज है तो फिर इसमें फोल्डिंग आ जाती है। चलें नेक्स्ट, इसमें जो है ना ये अपर जो नोज़ के तरफ जाएगी लेटरल साइड पे नोज़ पे, तो ये इसका सुपीरियर कोर्स जब जाता है तो फिर यहाँ पे लेटरल नेजल ब्रांच एक नज़र आ रही है आपको, इंपॉर्टेंट ब्रांचेज यहाँ पे मैं शो की हुई हूँ बता देता हूँ। इसकी तरह जब आई के करीब जाती है तो फिर उसके साथ जो है ना एक ब्रांच देती है एंगुलर आर्टरी, और एंड पे जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे फिर ऊपर इसका कनेक्शन है सुपरा ऑर्बिटल सुपरा ट्राक्लियर इनके साथ। तो इसी तरह यहाँ पे जो है ना एक देखते हैं इसका फिर वीनस में, फिर यहाँ पे इसका कोर्स आप याद रखने आर्टरी यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगी जो मेन सप्लाई है इसकी, और कुछ इधर से आ रही है ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है यहाँ पे देखें, और सुपरफिशियल टेम्पोरल, सुपरफिशियल टेम्पोरल भी इसकी टर्मिनल ब्रांच थी एक्सटर्नल कैरोटिड की, ये हमने पढ़ी थी इसमें स्कैल्प में पढ़ा था सुपरफिशियल टेम्पोरल का नाम, तो इसकी ये दो ब्रांचेस पढ़ी थी एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो ये भी इसके भी कुछ ब्रांचेस ये फेस में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। यहाँ पे ये दिखाई गई है, फिर वही कोर्स दिखाया गया है फेशियल आर्टरी का, वही टॉर्चुअस कोर्स है, फिर इंफीरियर लेबाइल सुपीरियर लेबाइल एंगुलर आर्टरी, इस तरह जो है ना ये नेजल सेप्टम में जा रही है लेटरल नेजल ब्रांच नोज की लेटरल साइड से होती हुई ऊपर चली जाती है। अच्छा ये यहाँ पे दिखाई गई सुपरफिशियल टेम्पोरल, दूसरा सोर्स जो मैंने बताया था ये सुपरफिशियल टेम्पोरल टर्मिनल ब्रांचेज इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर, यहाँ से कुछ ब्रांचेज जो है ना ये फेस की तरफ आ रही हैं, और एक ट्रांसवर्स फेशियल भी आ रही थी। अच्छा वेन्स इसमें जो है मोस्टली जो वेन ड्रेन होती हैं वो वही वेन्स जो है जो इसको जो है ना ब्रांचेज ऑफ द आर्टरीज को फॉलो करेंगी, जिस जिस तरह हमने ये इसके ब्रांचेज पढ़ी हैं, तो जैसे फेशियल आर्टरी तो उसकी फेशियल, इसी तरह सुपीरियर लेबाइल इंटीरियर लेबाइल लेटरल नेजल उसी नाम से सारी वेन्स भी आएंगी, तो ये उसके साथ रन करेंगी उनके कोरस्पेंडिंग ब्रांचेज ऑफ द आर्टरी। तो दूसरा यहाँ पे लिखा है वीनस ड्रेन ऑफ द फेस इज नॉर्मली सुपरफिशियल बट एनास्थमोज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लिनिकली भी इसको ज़रा आप गौर से पढ़िएगा डिटेल में बुक में, कि जो इसकी फेस की वीनस ड्रेनेज है इसकी कम्युनिकेशन है डीप वेन के साथ, देखिए लिखा हुआ है एनास्थमोज विद डीप वेन, जैसे लोअर लिम में आपने पढ़ा था जो सुपरफिशियल वेन्स थी जैसे लॉन्ग जो है थी ग्रेट सेफनस स्मॉल सेफनस, तो इनका आगे डीप वेन जो थी लेग की उनके साथ कम्युनिकेशन था, वो कम्युनिकेटिंग वेन्स थी, तो वो वाइल्वलेस
उनके अंदर वायल होते ताकि ब्लड जो है सुपरफिशियल से डीप में चला जाए, तो वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो जिसको पेरीफेरल हार्ट हम कहते हैं, तो यहाँ पे जो है ना ये वायलेस होते हैं, ये जो कम्युनिकेटिंग वेन्स हैं, तो ये डीप वेन के साथ कम्युनिकेटिंग हैं, डूरल साइनसेस के साथ करती हैं, ये हम पढ़ेंगे डूरल साइनसेस, ये ब्रेन के अंदर ये भी वेन्स हैं जिनको स्पेशल नाम दिया गया है साइनस का, जिसमें कैवर्नस साइनस सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आएगा नाम इसका। इसी तरह कुछ वीनस प्लेक्सेस बनते हैं, ये इनके साथ इसका कम्युनिकेशन है, जो जो सुपरफिशियल वेन्स ऑफ फेस है, तो इनका यूँ नहीं है कि सीधा सीधा सुपरफिशियल ड्रेनेज हो जाए, बल्कि कम्युनिकेशन है डीप वेन के साथ, और ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है। और जिस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा उधर चला जाएगा, क्योंकि वेल्वलेस वेन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे दिखाया गया इसी तरह, अब ये पिछली पिक्चर में भी आपको दिखाया था कि वीनस ड्रेनेज जब होती है तो फेशियल वेन बनती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर ऑर्बिटल एंड सुपर ट्रोक्लियर, ये दो वेन्स बनी, फेशियल वेन बननी, फेशियल वेन फिर उसी तरह उसमें उसकी बाकी जो है ट्राइब्यूटरीज आती जाएंगी, लेटरल नेजल, सुपीरियर लेबाइल, इंफीरियर लेबाइल। फेशियल वेन यहाँ पे जब आती है, यहाँ इसको गौर से देख लें पिक्चर को, इसकी डिटेल टेक्स्ट में आप पढ़ लीजिए, तो यहाँ पे रिट्रोमेंडिबुलर वेन आपको बताया था बनती है, रिट्रोमेंडिबुलर वेन ये बन गई, रिट्रोमेंडिबुलर, इसकी दो डिवीजन पड़ी थी, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, तो एंटीरियर डिवीजन जो है रिट्रोमेंडिबुलर की फेशियल के साथ मिलकर कॉमन फेशियल बनती है, और वो फिर इंटरनल जुगरा में ड्रेन हो जाती है। जो पोस्टीरियर डिवीजन थी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये देखो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमेंडिबुलर, इधर एक कान के पीछे से आ रही है पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये दोनों मिलके बना देती हैं एक्सटर्नल जुगलर वेन, वो फिर सारी ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में आके जो है ना यहाँ पे ड्रेन हो जाती हैं। अच्छा, अटेंडेंस ले लीजिएगा याद से, ठीक है भाई? हाँ, अटेंडेंस याद से ले। अच्छा, यहाँ भी बड़ी अच्छी पिक्चर दी हुई है, सेम वही पैटर्न है, देखें थोड़ा सा आर्टरी को भी शो किया गया है, उसी के साथ जो है ना ये इसका कोर्स है, सेम वही। अब यहाँ पे जो है ना वही दिखाया गया, रिट्रोमेंडिबुलर वेन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, ये सारे अल्टीमेटली जो है ना ये फेशियल वेन जो है कॉमन फेशियल बन के इंटरनल जुगलर में जा रही है, और जो बाकी की वेन्स थी जो ऑपर से आ रही थी पोस्टीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये बनाती हैं एक्सटर्नल जुगलर। तो दो जुगुलर वेन होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, अल्टीमेटली दोनों जो है ना ब्रेकियोस्फेलिक में जाती हैं। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें, ये जो मैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता रहा था इसकी फेशियल जो है ना वीनस ब्लड की, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ एक चीज़ ये दिखाई गई है, ये जब फेशियल वेन बन जाती है तो आपने ये बताना है कि फेशियल वेन जो है इसकी कम्युनिकेशन है सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन के साथ, सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन, और सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन जो है ना ये ड्रेन करती है ब्रेन के अंदर कैवर्नस साइनस में। अब होता क्या है, नॉर्मली फेशियल वेन का ये जो ब्लड है ये इसको तो नीचे आना चाहिए इधर कॉमन फेशियल और इंटरनल जुगलर में, लेकिन अगर यहाँ कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो या इसमें रेजिस्टेंस हो तो ब्लड जो है इसका, क्योंकि ये कम्युनिकेट कर रही है सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन के साथ, तो ब्लड सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन में, जब सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन की तरफ चला जाएगा बजाय नीचे आने, तो वो तो चला जाएगा कैवर्नस साइनस, ये तो नॉर्मली है। लेकिन खतरा क्या है इसमें, खतरा ये है कि जिस वक्त फेस के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो, जैसे ये कोई बॉयल्स कोई हो या इसी तरह एक्नी है कोई और इसी तरह इन्फेक्टेड कोई है, वूंड है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उस सूरत में जब ये वीनस ड्रेनेज में कोई अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो ये फिर कैवर्नस साइनस तक जा सकता है थ्रू सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन, तो ये इसका जो है ना रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ ये इन्फेक्शन से स्प्रेड होने का खतरा, यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपने इसकी कॉम्प्लिकेशन बतानी है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। अच्छा, एक तो ये रूट हो गया थ्रू सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन, दूसरा यहाँ पे एक दिखाया गया है, यहाँ पे जो है ना डीप फेशियल वेन के थ्रू जो है फिर इसका कनेक्शन होता है टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस ये भी यहाँ बन रहा है फेस में, तो ये इसका कनेक्शन फिर जो है ना थ्रू इमेजरी वेन कैवर्नस साइनस के साथ है। हमने पढ़ा था कि कुछ इमेजरी वेन्स हैं जो एक्सटर्नल वीनस को ब्रेन के जो है ना वेन्स के साथ कनेक्ट करती हैं, तो ये दो रूट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो है ना खतरनाक ही होता है जो थ्रू सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन कैवर्नस साइनस तक जाएगा, इसमें इसके थ्रू जो है ना ये स्प्रेड होता है इन्फेक्शन और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है। तो ये वही सारी इसकी एक इसमें डिटेल लिख दी है, फेशियल वेन कहाँ से शुरू हुई, मीडियल एंगल ऑफ द आई, इन दोनों के मिलने से, फिर वही कोर्स है उसका नीचे, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना ये, बाकी ट्राइब्यूटरीज आपने वही लिखनी है, कोरिस्पॉन्डिंग ब्रांचेज ऑफ द फेशियल आर्टरी, जो ये आखिरी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में भी, वाई में कम्युनिकेशन इसकी मैंने अभी दो बताई हैं, विद सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन, ये मीडियल एंगल ऑफ द आई, और दूसरी है थ्रू टेरिगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन जो है इसके साथ होगी थ्रू डीप वेन ऑफ द डीप फेशियल वेन के साथ,
और ये जो है ना इसी तरह इन दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो एक अवेयरनेस साइंस के साथ। फिर ये एक टर्म है डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, जाहिर सी बात है ये डेंजरस है, ये ट्राइंगल बनती है, इसमें नोज आ जाता है, अपर लिप आ जाता है, याद रखिएगा ये इस तरह की ट्राइंगल बनती है पूरा, इसमें नोज अपर लिप। इस एरिया में अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको कभी कोई पिंपल्स हो, कोई इसी तरह के बॉयल्स और कोई चीज़, तो उसको कोशिश करें उसको जो है ना ख़राब ना होने दें। और इन्फेक्शन अगर बढ़ गया इस एरिया का तो इसी की ड्रेनेज जो है ना थ्रू सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन उसके साथ कनेक्शन के अवेयरनेस है, ये लिखा हुआ अवेयरनेस के साथ इसकी कम्युनिकेशन है। इन्फेक्शन ऑफ दिस एरिया कैन स्प्रेड इन रिट्रोग्रेड डायरेक्शन एंड कॉज थ्रोम्बोसिस ऑफ द अवेयरनेस साइनस, तो ये इंपॉर्टेंट है। डेंजरस एरिया आ सकता है, यू राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डेंजरस एरिया, तो आपने आउटलाइन बना के फेस की और उसके अंदर ये लिखना है इसकी क्या वजह है, क्यों डेंजरस है। नर्व्स अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट है फेस की, कुटेनियस नर्व्स आप याद रखिएगा दो हैं इसमें कंपोनेंट, जो है सेंसरी या कुटेनियस, जैसे बाकी जगहों पे हमने पढ़ा था अपर लिम लोअर लिम में, तो कुटेनियस नर्व सेंसरी या सेंसेशन लेके जाती हैं, वो है थ्रू ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल नर्व, और मोटर नर्व का जो कंपोनेंट फेस में आएगा वो है फेशियल। अभी हमने देखा फेशियल एक्सप्रेशन के जितने भी मसल थे उन सब की नर्व सप्लाई जो थी वो फेशियल नर्व। तो मोटर नर्व फेस की आग सर्वाइवल में पूछें, मोटर नर्व है फेशियल सेवंथ, और जो है सेंसरी नर्व फेस की वो है ट्राइजेमिनल। तो यहाँ ट्राइजेमिनल की ये पिछली दफा लेक्चर मैंने आपको दिखाया था, तीन इसकी डिवीजन थी ऑप्थेलमिक, और इसी तरह दूसरी जो थी मैक्सिलरी डिवीजन, और तीसरी मैंडिबुलर V3, V1, V2, V3, ये जो रोमन लेटर में लिखते हैं, और ये फोरामेन भी आपको पता ही कहाँ कहाँ से गुजर के आएंगे, ये सारा वही लिखा हुआ है। ये सेंसरी कंपोनेंट इसका मेजर पार्ट होता है फिफ्थ का, और मोटर कंपोनेंट थोड़ा सा है इसका, तो ये चीज़ वही दोबारा ये बताई गई है इसमें। अच्छा ये एरिया है जिसमें जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखें ऑप्थेल्मिक का जो है ना ये जो सप्लाई होता है ये स्किन का, इसमें नोज आ जाएगी, फोरहेड आ गया, स्कैल्प का एरिया, इसी तरह ये फेस में जो है मैक्सिलरी डिवीजन का, और ये है मैंडिबुलर डिवीजन का जो चिंता का आएगा, और एंटीरियर टू द ऑरिकल्स ये येलो कलर में, ये फेस का ये हम पढ़ चुके थे पीछे, ये जो है ना ऑक्सीपिटल का ये पढ़ चुके हैं स्कैल्प में। तो ऑप्थेल्मिक अगर देखें हम इसमें, तो याद रखिएगा इसमें वही पीछे बात हो चुकी है, जो ट्राइजेमिनल का गैंगलियन था उसमें तीन आगे से उसकी ब्रांचेज होंगी V1, V2, V3। वन को अगर बात करें ऑप्थेल्मिक की, तो आगे चल के जब ये बाहर आएगी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, याद रखिएगा बस ये पॉइंट, ये इसकी तीन ब्रांचेज हो जाती हैं, फ्रंटल, नेसोसिलियरी और लैक्रिमल, ये ऑप्थेल्मिक के नाम है। ये देखें यहाँ देखें ये ट्राइजेमिनल का गैंगलियन है, ये सबसे ऊपर जो थी ना ये ऑप्थेल्मिक थी, ऑप्थेल्मिक के फिर आगे तीन हिस्से हो गए फ्रंटल, नेसोसिलियरी, लैक्रिमल। जो फ्रंटल है इसी के आगे दो नाम जो हम कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं पिछले लेक्चर में, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, ये हैं फ्रंटल, यानी डायरेक्ट नहीं आती, ऑप्थेल्मिक की डिवीजन होती है फ्रंटल में, फिर फ्रंटल से आगे दो निकलती हैं, ये ऊपर फोरहेड में आती हैं सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर। इस तरह फिर एक नेसोसिलियरी दिखाई गई है, ये आ रही है, और तीसरी जो है ये लैक्रिमल दिखाई है, लैक्रिमल ग्लैंड की तरफ आ रही है। तो जो नेसोसिलियरी थी उसमें फिर एंटीरियर पोस्टीरियर एथमॉइडल उसमें आगे फर्दर ब्रांचेज आती हैं। देखिए फ्रंटल नर्व भी हमने देखा, उसी के आगे जो है ना दो हिस्से हो जाएंगे, फिर सुपर ऑर्बिटल, सुपर ट्रॉक्लियर, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फोरहेड पे, ये सारा कुछ यही लिखा हुआ है। इस तरह पर नेसोसिलियरी में पोस्टीरियर एथमॉइडल, एंटीरियर एथमॉइडल, और एक आती है इंफ्राट्रॉक्लियर, हाँ इंफ्राट्रॉक्लियर आई के नीचे, जैसे सुपर ट्रॉक्लियर थी इंफ्राट्रॉक्लियर भी, और टर्मिनल ब्रांच इसकी एक्सटर्नल नेजल नाक के ऊपर आएगी। तो ये एक्सटर्नल नेजल देखा जाए बेसिकली है तो ऑप्थेल्मिक की, लेकिन उसके जो आगे तीन कंपोनेंट हमने बनाए थे उसमें आपने याद रखना है कि कौन सा है, फ्रंटल से है, नेसोसिलियरी से है या लैक्रिमल से है, तो ये नेसोसिलियरी से है। और तीसरा कंपोनेंट जो समालस था वो लैक्रिमल है, वो लैक्रिमल ग्लैंड में सेक्रेटरी मोटर फाइबर्स जाते हैं, तो ये इतना भी याद रखें। इसकी डिटेल जब ब्रेन आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे, फिर ये थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ आते हैं उसके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। अच्छा नेक्स्ट ये आ गई इसमें जो है, ये भी हम पढ़ चुके हैं सुपरा ऑर्बिटल, सुपरा ट्रॉक्लियर, ये आपको नज़र आ रही हैं दोनों, ये फोरहेड में जा रही हैं, ये नर्व जो है ऑप्थेल्मिक की ब्रांचेज हैं। इस तरह लैक्रिमल, इंफ्राट्रॉक्लियर, एक्सटर्नल नजर अभी हम नाम दें, ये इसकी लोकेशन दिखा दिए, ठीक है ये इंफ्राट्रॉक्लियर है, ठीक है ये EN एक्सटर्नल नेजल, ये एरिया शो किया गया इन सब का, ये ऑप्थेल्मिक का था, ये जो है मैक्सिलरी का है, इसी तरह ये वाला एरिया जो है ये मैंडिबुलर का, ये टोटल पिक्चर फिर आ गई है फ्रंटल व्यू, इसमें लेटरल व्यू मैक्सिलरी के, उसी तरह फिर जो है ना दूसरा कंपोनेंट था फोरामेन रोटेंडम से बाहर आएगा,
ये इसका सारा कोर्स लिखा हुआ है, और इसमें जाइगोमेटिक जाइगोमेटिक नर्व इस ब्रांच आती है, और इन्फ्रा ऑर्बिटल ये नीचे से इन्फ्रा ऑर्बिटल, ये उसी इसी की डिटेल है, टाइम थोड़ा है क्योंकि इसमें अभी हम नहीं जाते। तो जाइगोमेटिक नर्व जो है ये आगे चल के ट्रांसलेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट और इसमें कुटेनियस ब्रांचेज तो देगी, ये हम पढ़ चुके हैं। जाइगोमेटिक फेस और जाइगोमेटिक टेम्पोरल हमने पढ़ी थी जो स्कैल्प में, और दूसरी जो फेस की तरफ आएगी वो जाइगोमेटिक फेशियल है। यहाँ देख लें फिर, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जाइगोमेटिक फेशियल और जाइगोमेटिक टेम्पोरल। ये देखें, ये जेड एफ लिखा हुआ है और जेड टी लिखा हुआ है, ये जाइगोमेटिक टेम्पोरल और जाइगोमेटिक फेशियल, और ये आई ओ इन्फ्रा ऑर्बिटल, ये तीन ब्रांचेज जो थी इसकी ये आ रही है मैक्सिलरी, ये लिखे हुए हैं इन्फ्रा ऑर्बिटल, जाइगोमेटिक फेशियल, जाइगोमेटिक टेम्पोरल। फिर मैंडिबुलर डिवीजन आ जाएगी इसकी, तो मैंडिबुलर मैंडिबुलर फोरामेन ओवल से निकल के आएगी, थ्री सेंसरी ब्रांचेज हैं दैट सप्लाई द एरिया ऑफ स्किन डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो मैंडिबुलर फोरम। यहाँ पे आप देखें इसकी तीन ब्रांचेज आ रही हैं, इसमें जो है सप्लाई द फाइबर मसल ऑफ द मेस्टिकेशन को भी सप्लाई करती है, मोटर सप्लाई मैंडिबुलर, मेजर कंटिन्यूस जो सप्लाई है इसकी आरिकुलो टेम्पोरल बक्कल और मेंटल तीन। ये देखें आरिकुलो टेम्पोरल यहाँ पे आ जाती है, ये सारा इन फ्रंट ऑफ द ईयर ये नर्व पूरी नज़र आ रही है आरिकुलो टेम्पोरल एरिया। फिर यहाँ पे ये बक्कल नर्व है ये फेस पे, और नीचे आ जाएंगे तो ये मेंटल नर्व ये चिन के पास। तो ये तीन ब्रांचेज इसकी जो है कुटेनियस ब्रांचेस, जो कंपोनेंट था थर्ड कंपोनेंट ट्राइजाइनल का मैंडिबुलर, ये उसी की फिर इसमें डिटेल आ गई है कहाँ कहाँ ये सप्लाई करती है इसको आप देख लीजिएगा। मेंटल नर्व जो है ये चिन को सप्लाई करेगी, ओरल म्यूकोजा इन्फीरियर लिप ये सारा एरिया आ जाए एक साइड पर। इस तरह बक्कल जो है ये साइड पे जो आ जाते हैं ओरल म्यूको चीक का एरिया, वहाँ सप्लाई करेगी, कुछ गम्स को भी सप्लाई करती है सेकंड थर्ड मोलर टीथ को। यहाँ लिम्फेटिक ड्रेनेज दिखाई गई है, डिफरेंट लिम्फ नोड्स के ग्रुप्स हैं ये। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो याद रखने वाला अगली पिक्चर में आ रहा है इसको देखें फेस की, तो ये एरिया जो है ऊपर ये प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड जिसको हम पेरोटिड लिम्फ नोड्स भी कहते हैं ग्रुप, ये सारा सप्लाई करेगा जिसमें अपर आई लेड और ये फोरहेड का एरिया आ जाता है ईयर का आ गया, उससे नीचे का सारा एरिया ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड जो है ना ये सप्लाई करता है। ये लिम्फ नोड दिखाएंगे मैंडिबल के नीचे, और यहाँ पे जो है लोअर लिप के नीचे जो है ये सेंट्रल पार्ट है चिन का, ये सब मेंटल लिम्फ नोड्स। तो ये तीन ग्रुप्स हैं मेन फेस के, यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई गई है, ये डिफरेंट ये पेरोटिड लिम्फ नोड, इस तरह ये रास्ते में एक बक्कल नोड्स आती हैं, फिर ये सब मेन जो ग्रुप है ये आपने पूरी आरिकुलर और पेरोटिड याद रखना है, दूसरा ग्रुप है सब मैंडिबुलर और तीसरा जो है सब मेंटल, और फिर अल्टीमेटली ये डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में चली जाती है। नेक्स्ट जो है ये आप देखें ये फेशियल पाल्सी है, फिर नर्व्स अगर इसकी पैरालाइज हो जाए सेवंथ क्रेनियल नर्व्स, तो जाहिर सी बात है ये मसल को सप्लाई कर रही थी फेशियल एक्सप्रेशंस को, तो वो पैरालाइज हो जाएंगे। तो ये कहाँ कहाँ हो सकती है डैमेज फेशियल नर्व, इंटरनल अकॉस्टिक मीटस में हो जाकर कोई ट्यूमर हो उसकी वजह से होती है, इन द मिडल ईयर ये उसका कोर्स है सारा, मिडल ईयर में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए ओटाइटिस मीडिया जैसे कानों के अंदर से कान बंद हो जाते हैं पास आना शुरू हो जाती है, तो ये मिडल ईयर का इन्फेक्शन यूजुअली हो जाता है, या किसी सर्जरी के दौरान भी हो सकती है इंजरी इसकी। तो इसी तरह फेशियल कैनाल के अंदर भी हो सकती है, तो इसको बेल्स पाल्सी कहते हैं। दूसरा इसका जब कोर्स होता है तो पेरिटल ग्लैंड में से गुजर के आती है, पेरिटल ग्लैंड के आगे ये ब्रांचेस देती है, तो पेरिटल ग्लैंड का भी अगर ट्यूमर हो तो उसमें भी ये कंप्रेस हो जाएगी फेशियल नर्व। तो ये सारी उसकी काजेस थी डिफरेंट, या डायरेक्ट इंजरी ट्रामा लेसिरेशंस हो सकते हैं, कट कोई हो जाए इस तरह के गन शॉट है इंजरी है कोई, तो इससे क्या होता है ड्रोपिंग ऑफ लोअर आईलिड एंड द एंगल ऑफ माउथ विल सैग ऑन द अफेक्टेड साइड। ये देख लें आप ये एंगल ऑफ माउथ जो है ये नीचे आ गया है, और इधर से ये ड्रूपिंग ऑफ आई लेड ये भी नीचे, आंख अगर उसको पेशेंट को कहें टाइटली क्लोज करे आईज तो ये नहीं बंद होंगी, तो ये जो है इस साइड के मसल पैरालाइज हो गए हैं और ये एक्टिव है, इस तरफ से ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो ये ऊपर हो जाएगा थोड़ा एरिया, ये नीचे आ जाएगा। तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन से है, इतना अपर मोटर न्यूरॉन लीजन से भी हो सकता है, तो जिसमें अपर पार्ट फेस का नॉर्मल रहता है और जो है ना लोअर पार्ट जो है ना उसमें वो इफेक्ट आता है। तो ये पढ़ेंगे हम आगे ब्रेन में अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। दूसरा ये यहाँ पे जो है ना बकल नर्व ब्लॉक जो है ये जो है ना स्किन के से जरिए इंजेक्शन लगा के एनेस्थेटिक जो लोकल जो है ना एनेस्थीजिया देते हैं म्यूकोजा, तो मुख्तलिफ कोई जो है ना टीथ की या कोई और सर्जरी करनी हो तो उसके लिए नर्व ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पे। तो बकल नर्व ब्लॉक ये तरीका दिखाया गया है इसमें। इस तरह ट्राइजेमिनल न्यूरलजिया ये इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ये स्पेशल ये पेन होता है ख़ास किस्म का, ये जो है ना रेडिएटिंग टू द मैक्सिलरी और मैंडिबुलर एरिया। तो इसमें यूजुअल जो काजेज हैं उसमें जो है ना वो क्या हैं, डिसऑर्डर्स आर एबेरेंट ब्लड वेसल्स, एन्यूरिज्म्स और जो है क्रॉनिक मेंजल इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर्स हैं। तो ये सारे इसके डिफरेंट काजेज हैं, कुछ जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये बीमारी है। तो ये इनमें जो है ये नर्व इन्वॉल्व V2 और V3 यानी मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जो जो है ना इनके कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे। सडन पेन इसमें जो होगा, सीवियर पेन, स्टैबिंग पेन होता है, और ये किस वक्त होगा, देखो ब्रशिंग द टीथ, शेविंग, ड्रिंकिंग, च्यूइंग, ये सारा। तो अगर टच करें तो यहाँ से अगर इसको इनिशिएट हो जाएगा पेन, फ्रीक्वेंटली लोकेटेड अराउंड द टिप ऑफ द नोज एंड चीक।